एक बार चार दोस्त एक पार्टी में बैठे हुए थे जिसमें एक मारवाड़ी, दूसरा सिंधी, तीसरा गुजराती और चौथा पंजाबी था। सिंधी सोच रहा था कि इस मारवाड़ी दोस्त को कैसे ना कैसे करके नीचे दिखाना पड़ेगा। तो सिंधी ने मारवाड़ी से बोला कि तुम मारवाड़ी बड़े कंजूस होते हो, खर्चा नहीं करते हो और खर्चा और ऐश करने में सिंधी सबसे आगे है। और फिर सिंधी ने जेब से 500 की नोट निकाली और सिगरेट बनाकर फूंक दी और बोला ऐश करने में सिंधियों का कोई मुकाबला नहीं। यह देखकर गुजराती को जोश आ गया, उसने जेब से 2000 की नोट निकाली और सिगरेट बनाकर फूंक दी और बोला गुजराती का मुकाबला सिंधी करेंगे। फिर पंजाबी को और ज्यादा जोश आया, उसने जेब में से 500 की नोट की गड्डी निकाली और 5000 की नोट की सिगरेट बनाकर फूंक दी। अब सिंधी ने मारवाड़ी से कहा कि देखो हम सब मस्ती कर रहे हैं और तुम कंजूस हो। इतने में मारवाड़ी ने जेब से चेकबुक निकाली और उस पर 10 लाख रुपए लिखे और सिगरेट बनाकर बिहारी को पकड़ा दी कि चल तू भी ऐश कर, और बोला कि हम तो 2 रुपए में भी 2 लाख का मजा लेने वाले आदमी हैं। मारवाड़ी पैसे के मामले में बड़े समझदार होते हैं, वो 0 रुपए के इन्वेस्टमेंट से करोड़ का बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। मारवाड़ी कौन है? पहले जैन और हिंदू कम्युनिटी जो मारवाड़ से आती थी उन्हें मारवाड़ी कहा जाता था। 1901 में एक इथेनोग्राफी क्लासिफिकेशन हुआ, फिर जिसमें राजपूताना, अग्रवाल, ओत्सवाल, माहेश्वरी, पोरवाल, खंडेलवाल और भी कई सारी कम्युनिटी शामिल हो गए। फिर बाद में बिजनेस में तेज होने वाले आदमी को मारवाड़ी बोल दिया गया। अब आप पीछे इतिहास में जाकर देखेंगे तो जो सबसे बड़े मनी लेंडर, बैंकर, ट्रेडर, फाइनेंसर मारवाड़ी हुए हैं। और मुगलों के टाइम पर बैंकिंग सिस्टम मारवाड़ी ही चलाते थे। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मारवाड़ी ने अपना रुझान इंडस्ट्री की तरफ कर लिया, जहां पहले इंडस्ट्रियलिस्ट बंगाली हुआ करते थे और आज मारवाड़ी इंडिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। आज इंडिया के टॉप 100 में से 40% इंडस्ट्री मारवाड़ी ही रन कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम जानेंगे मारवाड़ी के 7 बिजनेस सीक्रेट जिसने आज मारवाड़ियों को व्यापार की दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाया है। नंबर 1, इनकम सोर्सेस। मारवाड़ी कभी भी एक इनकम सोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, उनके पास पैसे कमाने के अलग अलग तरीके होते हैं और सभी से वो पैसे कमाते हैं। मारवाड़ी के पास ज्यादातर खुद की दुकान होती है जिससे वो पैसा कमाता है, उसके पास मकान होते हैं जिसे वो किराए पर देकर रेंटल इनकम जनरेट करते हैं। मारवाड़ी अपने पैसे को कभी भी खाली नहीं रहने देते, वो या तो उन पैसों को बिजनेस में लगाएंगे या तो फिर वो उन पैसों को ब्याज से देंगे। और मारवाड़ियों की खास बात तो ये है कि वो अपने रिश्तेदार को भी ब्याज से पैसे दे देते हैं और रिश्ते भी खराब नहीं होने देते। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी गेनर। दोस्तों एक पुरानी कहावत है, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। दोस्तों मारवाड़ी की खास बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि मारवाड़ी जहां अपॉर्चुनिटी देखते हैं वहां पहुंच जाते हैं। मारवाड़ी दुनिया के कई देशों में आपको देखने को मिलेंगे और वो भी बिजनेस करते हुए। हर साल इंडिया में फोर्ब्स इंडिया का एक सर्वे होता है जिसमें इंडिया के टॉप रिचेस्ट मैन की लिस्ट बनती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस लिस्ट में 40% लोग मारवाड़ी कम्युनिटी से आते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप के बिजनेस है उनमें से 40% मारवाड़ी ही चलाते हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज ग्रुप, सी के बिरला ग्रुप, डी मार्ट, एसआर ग्रुप, इमामी, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, जिंदल स्टील, जेएसडब्ल्यू ग्रुप। दोस्तों ये लिस्ट काफी लंबी है और इंडिया के टॉप स्टार्टअप में भी मारवाड़ी सबसे आगे है, जैसे फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट, लेंसकार्ट, मिंत्रा, ओला, ओयो, पेटीएम, स्नैपडील, शॉपक्लूज, शादी.com, जोमेटो और कई सारे स्टार्टअप जो मारवाड़ी रन करते हैं। नंबर 3, मनी मैनेजमेंट। मारवाड़ी लोग हिसाब के बड़े पक्के होते हैं। अगर कोई मारवाड़ी दुकान चला रहा है तो वो काम करने के लिए इम्प्लॉय तो रख लेगा लेकिन गल्ले पर खुद बैठेगा। वह पूरे हिसाब पर नजर रखता है कि कितना माल आ रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। मारवाड़ी डेली अपने व्यापार की बैलेंस शीट चेक करता है और टैक्स बचाने के मामले में मारवाड़ी का कोई मुकाबला नहीं। नंबर 4, थिंक बिग। मारवाड़ी अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो उस बिजनेस के बारे में लॉन्ग टर्म विजन रखेगा, यानी कि अगर उसको बिजनेस के स्टार्टिंग में जो भी फायदा होता है ये उसे फिर से रीइन्वेस्ट कर देता है ताकि बिजनेस अच्छा चलता रहे। ये लोग फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचते हैं और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए प्रेजेंस को दांव पर लगा देते हैं। मारवाड़ी अपने बच्चों को बचपन से ही बिजनेस सिखाना चालू कर देते हैं और दुकान पर बिठाते हैं, फैक्ट्री ले जाते हैं, वहाँ सारी प्रोसेस समझाते हैं और बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। बीके बिरला बोलते हैं कि उनको उनके पिताजी जेडी बिरला ने 13 साल की एज में ही पैसे देना बंद कर दिए थे और जेडी बिरला ने जो उन्हें इकट्ठी पॉकेट मनी मिली थी उसे उन्होंने 13 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट में लगाए थे। जिस एज में बच्चों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं होता उस एज में बीके बिरला ने स्टॉक मार्केट से पैसे कमाए और फिर 15 साल की एज में उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी और 18 साल की उम्र में देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल को लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बनाया। मारवाड़ी बच्चों को 18 साल का होने से पहले ही सिखा देते हैं वैल्यू ऑफ मनी और वो मास्टर बन जाते हैं बिजनेस करने में, सेविंग। मारवाड़ी आदमी बिना बात के एक रुपया भी खर्च नहीं करता, वो हमेशा कहीं ना कहीं पैसा बचाने की सोचता है। मारवाड़ी अगर बाजार में कुछ खरीदने गया तो वो चाहे सस्ती चीज क्यों ना हो उसमें भी वो बार्गेनिंग करेगा। वो हमेशा चाहता है कि मैं ये चीज कम से कम कीमत में खरीदूं। अगर कोई उन्हें पहले से ही डिस्काउंट देता है तो भी वो और डिस्काउंट करवाने की कोशिश करते हैं। मारवाड़ी किसी भी फिजूल खर्ची को इग्नोर नहीं करते। नंबर 6, द वर्थ ऑफ मनी। मारवाड़ी रेगिस्तान से आए हुए लोग हैं तो इन्हें पता है कि पैसे की कीमत क्या है, ये एक रुपए को भी सोच समझ कर खर्चा करते हैं। मारवाड़ी का व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। अगर किसी मारवाड़ी की मिठाई की दुकान है तो उनके बच्चे भी वही दुकान संभालते हैं और ये अपने बच्चों को भी सिखाते हैं। व्यापार और पैसे की इम्पोर्टेंस के बारे में
ये बच्चों को बचपन से ही ट्रेन करने लग जाते हैं, फिर बड़े होकर ये व्यापार को और आगे बढ़ाते हैं। मारवाड़ी कंजूस नहीं होते, ये पैसे की असल वैल्यू को समझते हैं। मारवाड़ी शादियों में बहुत खर्चा करते हैं। इनके यहाँ की शादी देखो आप, क्या आलीशान शादी होती है। शादी में ज्वेलरी पर, कपड़ों पर, खाने पर बहुत खर्चा करते हैं। इनके यहाँ का खाना देखो, हर दिन थाली ऐसी सजी हुई होती है जैसे कि शादियों में डिनर की थाली सजी हुई होती है। और दान करने में भी मारवाड़ियों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अगर कोई इनसे पैसे मांगने जाए तो ये मना कर देते हैं कि पैसे कहाँ हैं। लेकिन अगर लेने वाला ब्याज दे रहा हो तो तुरंत दे देते हैं। ये एक दिन भी पैसे को खाली नहीं छोड़ते, ये हिसाब के बड़े पक्के होते हैं। और ये ज्यादा फिजूल खर्चा भी नहीं करते, साधारण कपड़े पहनेंगे, गाड़ियाँ भी ज्यादा महंगी नहीं खरीदेंगे। और ये खर्चे कम करते हैं तो लोगों को भी पता नहीं चलता कि इनके पास कितना पैसा है। नंबर 7, स्टाइल ऑफ प्लानिंग। बिजनेस प्लानिंग करने में इन्हें महारत हासिल है। अगर इनको पता चल जाए कि कस्टमर से अच्छा मुनाफा होगा तो उसे चाय कॉफी पिलाने में भी मना नहीं करते। लेकिन चाय 5-स्टार होटल की नहीं पिलाएंगे, जहाँ चाय अच्छी बनती है, जहाँ घर जैसा स्वाद आता है, वहाँ की चाय पिलाएंगे। ये बिजनेस में हमेशा प्लान बी भी बना कर रखते हैं। बिजनेस को लेकर इनकी सोच बड़ी लंबी होती है। ये कम मार्जिन पर भी माल बेच देते हैं, बस शर्त ये है कि माल ज्यादा निकलना चाहिए। मारवाड़ी से कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन एक चीज जरूर सीखना कि ये मारवाड़ी जितने कम ब्याज पे बैंक से पैसा लेता है, प्राइवेट लेंडर से पैसा लेता है, फिर उसे अपने बिजनेस में लगाकर खूब मुनाफा कमाता है।